हेलो बच्चों, आज जो एनटी की तरफ से जो केमिस्ट्री में के सिलेबस में एक मेजर परिवर्तन हुआ है, तो एक आईआईटी वाले बच्चों के लिए एक तरीके से खुशखबरी है कि हमारे 8 से 9 चैप्टर्स डायरेक्टली रिड्यूस हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे केमिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, उसी के रिगार्डिंग हम बताएंगे कि किस किस कौन कौन सा सिलेबस हमारे रिड्यूस हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हम फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट गैसेस स्टेट हट चुका है, डायरेक्टली इसका पूरा पोर्शन हट चुका है। और हमारे तीसरा चैप्टर जो सरफेस केमिस्ट्री कोलाइड वाला पार्ट ही अब आपको पढ़ना है। और जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटलर्जी हमारा हट गया, एस ब्लॉक हट गया, हमारा हाइड्रोजन हट गया, तो ये 3 चैप्टर्स हमारे हट चुके हैं। और जो बेसिक जो चैप्टर थे हमारे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, तो ये भी हमारे चैप्टर सब हट चुके हैं। तो हम अब हमें केमिस्ट्री में ऐसे चैप्टर पढ़ने जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो एक तरीके से हमारे क्रीम चैप्टर से वो जो भी पार्ट था एनटीए की तरफ से जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था उसको रिमूव कर दिया गया है। तो आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आप हमेशा केमिस्ट्री में आसानी से, बहुत कम सिलेबस है तो बहुत अच्छे मार्क्स आप केमिस्ट्री में गेन कर सकते हैं। जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा गया तो कोई मेजर परिवर्तन नहीं, केवल आपको पॉलीमर वाला चैप्टर आपके हटा दिया गया है। बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर से कुछ लोग कह रहे थे रहना चाहिए और बायोमोलिक्यूल एनटीए ने रखा है, तो जो मेजर चेंज है आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना डुमान मेथड आ गया और दूसरा चीज हो गया हमारा क्या बोलते हैं टाइट्रेशन केमिस्ट्री हो गया, और जो हमें ग्रुप्स की पहचान करना आना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहचान करना आना चाहिए, कार्बोक्सिल ग्रुप जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो सही हेलोएल्किन में एल्कोहल फिनोल इथर में। तो आप सभी बच्चों को मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए और केमिस्ट्री का सिलेबस अब रिड्यूस हो चुका है, तो आप केमिस्ट्री में केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रैंक दिला सकती है आपको और केमिस्ट्री से आप आईआईटी बॉम्बे जा सकते हैं। थैंक यू।